एंड वेलकम टू MGM 90.8 FM साथ है तो बात है और आपके साथ है RJ स्मिता और मेरे साथ स्टूडियो में है शीतल बाकरे। शीतल हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। अक्सर लोगों को ये रहता है कि हम लोगों ने शेयर कब खरीदना और कब बेचना चाहिए जब प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल ये दो चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। फंडामेंटल जो होता है ना स्टॉक मार्केट में, उसमें आप देख लेते हो। देखिए, फंडामेंटल में क्या क्या देखना होता है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी क्या कर सकती है इन फ्यूचर, कंपनी पास्ट में क्या कर चुकी है, कंपनी के पास एम्प्लॉय पावर कितनी है, फंड कितना है, मार्केटिंग वे कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, एंड उसके बाद में उनके पास रॉ मटेरियल कैपिटल कितना है। कंपनी के पास बैलेंस शीट में आपको पता चल जाता है कि डेबिट कितना है, डेबिट फ्री होने के लिए कंपनी के क्या प्लान है, कंपनी आए दिन डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, दे रही है तो कितना दे रही है। और टेक्निकल चार्ट आपको बता देता है कि इंडिकेट करता है, प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में स्टॉक का कहां तक जाने का, मतलब उसे बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कहां तक जा सकता है ये आपको बताया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में शेयर कब खरीदना है और बेचना है, इसके लिए डेफिनेटली साम दाम दंड भेद, मतलब फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी स्ट्रैटेजीज और इमोशंस को थोड़ा सा बाजू में रखने वाली स्ट्रैटेजीज मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्लासेस में सिखाती हूँ। जब आप ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हो तो यस, डेफिनेटली स्टॉक खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाता है। शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करना है अगर, तो आप बने रहिए RJ स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।